हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर संडे को आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी जो आपने प्रीवियस वीक में किए हैं, उसमें से आपके लिए क्वेश्चंस मैं लूँगी। तो आज मैंने वही वीडियो आपके लिए फिर से बनाया है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उसमें क्वेश्चंस किए हैं तो इसमें आपके आंसर्स हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आपके आंसर्स मिल सकें। यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने शादी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किया था, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये किया था कि जिनके साथ धोखा हुआ है उनका क्या होगा या उनको जीत मिलेगी या नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए, सबका आंसर मैं नहीं कर सकती हूँ और ना ही सबका नाम ले सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस में इसको डिवाइड कर लिया है। आपका अगर ये प्रश्न है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने किया है, तो आप अपनी सिचुएशन को ज़रूर देखें और देखें कि ये आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर होगा जिन्होंने भी उस वीडियो में अपने क्वेश्चंस किए हैं। ये वीडियोज़ मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे बार बार कॉल करते हैं, मैं उनके आंसर्स कर सकूँ और आपको यहीं पर फ्री में आपको आंसर्स मिल सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं और अपने क्वेश्चंस लिखकर भेजते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स दूंगी। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखकर भेजें। आज मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, आगे वीडियोस में कोई और क्वेश्चंस भी लिए जा सकते हैं, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें और हैशटैग वैदिक ऊर्जा के साथ आप कमेंट करें। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन है। हैशटैग वैदिक ऊर्जा बहुत से लोगों ने लिखा है पर किसी ने भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा। इसका तरीका ये होता है कि हैशटैग जब आप लगाते हैं तो वैदिक ऊर्जा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, आपको उसे साथ साथ लिखना है। इस बात का ध्यान रख के लिखिएगा तो मुझे क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर लिखकर भेजेंगे तो नेक्स्ट संडे मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए वीडियोस के साथ, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आपने बहुत ही सराहा है इस चैनल को, आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और आपके लिए लेती हूँ मैं क्वेश्चंस के आंसर्स। जिन लोगों ने भी प्रश्न किया है शादी को लेकर के, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या शादी होगी इस साल में या नहीं होगी, तो आपके लिए ये आंसर है कि क्वीन ऑफ कप और द फूल, ये 2 कार्ड्स हैं जो आपकी शादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपकी शादी हो सकती है इस साल में। पर अगर आपने कोई रॉन्ग चॉइस की है, अगर आपने अपनी शादी के लिए खुद चॉइस की है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके पूरा आप समझ लें, पूरा आप एक दूसरे को जान लें, आप किसी इमेच्योर एनर्जी में ना हो ताकि आप गलत फैसला ना करें। शादी से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनका आंसर दे रही हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुने इस बात को कि जिन्होंने भी शादी का प्रश्न किया है, आप लोगों के लिए है कि बहुत ही ध्यान से आपको आगे कदम रखना है। शादी हो सकती है पर आपका कदम बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि केयरफुल होकर आगे चलना है आपको। आप रिस्की टर्न पर खड़े हो सकते हैं और केयरलेस हो सकते हैं शादी को लेकर, तो थोड़ा केयरफुल होना है अगर आप शादी करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं। आपका लव रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक हो सकता है, पर अगर आप इसे मैच्योरिटी के लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। तो उनकी इमेच्योरिटी को आप समझें और उनको अगर आप केयर करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्हें समझाएं कि एक मैरिज जो होती है वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है, तो इसे कमिटमेंट समझकर ही आगे बढ़ें। अगर आप इमेच्योरिटी के साथ दोनों आगे बढ़ेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जो लोग शादी करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, उनको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आप एक ज़िंदगी की नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस बिगनिंग में एक दूसरे के लिए पूरी कमिटमेंट रखें, पूरी एनर्जी रखें, पूरी केयर रखें और एक दूसरे के साथ प्यार की भावना और इमोशंस को बांटने की पावर भी रखें, तभी आप एक अच्छी कमिटेड रिलेशनशिप तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि द फूल दिखा रहा है कि काफ़ी इमेच्योरिटी है। तो आपको मैंने बता दिया कि शादी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपने किए हैं, क्या क्या आपकी एनर्जी
मैरिजेस रह सकती हैं और कब आपकी शादी होगी। इस साल में चांसेस पूरे हैं कि शादी हो जाएगी, पर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैंने सेकेंड क्वेश्चन जो लिया है वो है जॉब से रिलेटेड। जो लोग जॉब में हैं या जॉब में नहीं हैं पर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो सकता है जॉब में। जो लोग हैं वो भी, उनको भी बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर बहुत बड़ा लेना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी है, जो लोग जॉब में हैं वो भी और जो ढूंढ रहे हैं वो भी। आप दोनों के लिए ये बात है कि अगर आप कुछ बड़ा देखना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काफ़ी सारा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। लालच में आकर कोई भी गलत निर्णय ना लें। जो लोग जॉब में कोई लालच में आकर कुछ भी गलत ले लेते हैं, या उनको लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ मिल सकता है, यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो वो हो सकता है, तो आपकी चॉइसेस गलत हो सकती हैं। मेहनत पर विश्वास रखेंगे तभी मिलेगा। अगर आप किसी भी चमकने वाली चीज़ को सोना समझेंगे तो हो सकता है कि आप गलत निर्णय कर बैठें। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पर आपको राइट चॉइस करना है। आप अपनी जॉब के लिए बहुत से प्लान्स करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में हैं, प्लान्स हैं, पर एक्शन अभी आप नहीं ले रहे हो। तो एक्शन भी लो, क्योंकि ये समय जो है वो आपके एक्शन का हो सकता है। आपके लिए यहाँ पर फायर एनर्जी बताती है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्लान करके सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपको जल्दी से जल्दी किसी अच्छी जॉब को एक बार ले लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। पर आपको गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको ध्यान से इसका डिसीजन लेना है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उसमें से क्या आपके लिए सही है इसका निर्णय आपको खुद करना होगा और अपने ध्यान से करना होगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ जो हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया है पिछली वीडियो में। तो आपके लिए ये आंसर है जिन्होंने भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। आप लोगों के लिए यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड, जो बताता है कि काफ़ी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हो और बहुत परेशान हो इस वजह से। तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं, और आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो मैंने आपकी हेल्थ रीडिंग के लिए ही लिया है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि आपके कर्म जो हैं वो आपको सुधारने होंगे, क्योंकि ये आपके कार्मिक साइकिल का रिजल्ट है। आपने पिछले जन्म में या पीछे कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपने कार्मिक साइकिल को सुधारना है। वो आप कैसे सुधारेंगे? वो आप दूसरों की हेल्प करके सुधार सकते हैं, वो आप अपने कर्मों को अच्छा करके सुधार सकते हैं। अब आने वाली जो ज़िंदगी है, अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को ठीक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो अभी भी आपके कर्मों को ठीक कर सकती है। हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, वो हमारे साइकिल में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस जन्म में बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं। तो हमें अपने कार्मिक साइकिल को कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको पहले तो मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप मनन करते हैं, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर से चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आपको सेल्फ क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आप जब अपने अंदर से सब कुछ क्लींस कर लेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देने लगेगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आपको मेडिसिन असर करने लगेंगी, आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आप अंदर से स्वस्थ फील कर रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा ये काम है, आप 15-20 मिनट से शुरू करें और उसको आधे घंटे एक घंटे तक लेकर जाएं। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपके कार्मिक साइकिल से, आपके प्रारब्ध कर्मों से, आपके जो गलत कार्य हैं वो निकल जाएंगे, जो आपके ऋण हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे और आप अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेंगे। दूसरी बात यह है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और दूसरों को दान देने की कोशिश करें, दक्षिणा देने की कोशिश करें और अपने जीवन के ऋणों को उतारने की कोशिश करें। इससे भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील होगी। अगला प्रश्न जो है वो है स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए, एनलाइटमेंट के लिए, जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है।
आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप बताता है कि बहुत ही अच्छा आपके लिए हो सकता है, पर आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने मन में, बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर बहुत कंफ्यूजन आपके मन में चल रही है, दुविधा चल रही है, जिसकी वजह से आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो। आपके मन में टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, और शायद आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत रहेगी। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं, कुछ भी अध्यात्म में करना चाहते हैं, आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं जो आप देखना चाहते हो, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हो, आपको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, आपको महसूस भी होता है, भावनाएं भी आपकी स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए हैं, पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो। आप अपने घर के बीच में या अपने काम के बीच में और अध्यात्म के बीच का रास्ता खोजना चाहते हो, पर वो आप नहीं खोज पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। आप अगर उसको एक्टिवेट करेंगे मेडिटेशन के द्वारा, तब आप इस निर्णय को कर पाएंगे, और आपको सच में ये एहसास होने लगेगा, पता लगने लगेगा कि अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप उस रास्ते पर सही तरीके से जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। ये सब आपको अपने अंदर से ही मिलने वाला है, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, और आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं बात करूंगी फिफ्थ क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, जो मैंने लिया है उन लोगों के लिए जो इस बात के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या जीत मिलेगी, जो भी आपके लिए आपने डिसीजंस लिए हैं, या आप अपनी लव लाइफ के लिए पूछना चाहते हैं, किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपको क्या जीत मिलेगी, क्या उसका उसको उसके किए का फल मिलेगा, क्या आपको भगवान जो है वो रास्ता दिखाएंगे, तो मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये सब लोगों के लिए है जिन्होंने भी अपनी जीत से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि डेफिनेटली आपको जीत ज़रूर मिलेगी और आप एक राइट पाथ पर हो। जिन्होंने भी करियर में आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने भी किसी भी काम में आपके साथ बुरा किया है, आपको ज़रूर जीत मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया है कम से कम वो गलत नहीं है। आप लोगों को ज़रूर यूनिवर्स का साथ मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, और आपको एक राइट पाथ पर जाने के लिए गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको जीत भी ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए खुद पर भी विश्वास रखें, और यूनिवर्स पर भी विश्वास रखें, भगवान पर भी विश्वास रखें, और उनका ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें, उनको धन्यवाद ज़रूर करें, जो भी आपको उन्होंने दिया है, जो भी आपको मिला है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद ज़रूर करें। इससे आपको एक और एनर्जी मिल सकती है, वो है विश्वास की एनर्जी, और आप जब विश्वास करते हैं तो चीज़ें अपने आप राइट पाथ पर जाने लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर राउंड अच्छा लगा हो, अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं और आपको ये रेजोनेट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ जो लोग नए हैं और चैनल पर भी नए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके आंसर मैं नेक्स्ट संडे आपको दे सकूं, आप लोग हैशटैग वैदिक ऊर्जा लिखकर भेजें और अपना प्रश्न लिखकर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर आपको जरूर करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।